नमस्कार, मैं बॉबी जहां एमएनएस न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। आसमान से बरस रही आग, आग उगल रहा सूरज नवतपा में और अधिक रौद्र रूप दिखा रहा है। आसमान से बरस रही आग ने जनजीवन बेहाल हो रहे हैं। धामन गांव रेलवे तहसील में शनिवार को 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, जिससे उष्माघात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक वृद्धा का समावेश है, जिससे नवतपा को लेकर लोग भयाक्रांत हो उठे हैं। यह नवतपा आगामी 2 जून तक चलेगा। इस दौरान नागरिकों को धूप से बचने सहित अन्य सतर्कता का आह्वान कर स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति कर रहा है, लेकिन लू के मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं की और विभाग गंभीर नहीं है, जिससे लू के मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। तहसील के निम्भोरा गोड़खा निवासी रमेश पांडुरकर बुंदेली शनिवार को दोपहर काम के सिलसिले में साइकिल पर सवार होकर बुलगांव गए थे। लौटते समय 4 बजे झाड़गांव के पास उन्हें प्यास लगी, लेकिन आसपास कहीं भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाने से एक खेत में पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पहले ही लू की चपेट में आए बुंदेले की प्यास से बेहाल होने के कारण मौत हो गई। शाम को झाड़गांव के मजदूरों को बुंदेले का शव खेत में दिखाई पड़ा। सूचना देने के बाद परिजन वहां पहुंचे और शव को उठाया गया। वहीं दूसरी ओर जल संकट ने ली दो मजदूरों की बलि। अमरावती संपूर्ण जिले में जल संकट को लेकर हाहाकार की स्थिति है। वर्ष 2018 में अत्यल्प बारिश के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। लगातार भूजल स्तर घटने से जल स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। यही भीषण जल संकट रविवार को दो मजदूरों की मौत का कारण बन गया। कुएं के भीतर पानी के लिए खुदाई करते समय सुबह 11 बजे यह हादसा कुआ गांव के पास पाथर गांव में हुआ। गंभीर हालत में जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पारक गांव में गजानन मारुती राव डम्बरे के खेत में पिछले कुछ दिनों से ठेकेदार द्वारा कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। लगभग 10 से 12 फीट खुदाई कर ली गई है, जिसके बाद गहराईकरण कर मिट्टी बाहर निकालने का काम रविवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ। उसी दौरान गर्मी के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।